हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और हमें हो गया बुआ जी के घर 4 दिन, और हमारा जो है हमारा मन नहीं कर रहा है बुआ जी के घर से जाने को। काफी सारे मेहमान आए हुए हैं, बुआ जी की लड़की भी आई हुई है, यानी कि मेरी बुआ जी है जो, उनकी ननंद की लड़की भी आई हुई है, उनके साथ हमारा बहुत ज्यादा मन लग रहा है। तो ये देखिए दुल्हन का रूम, यह है ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पर बेड, और ये देखिए कैसे बैठी हुई है। मैं बोल रही हूँ शिल्पा को कि पल्लू ऊपर उठाकर बैठ जाओ, और ये ऐसी शर्माती रहती है, और यानी कि ये देखिए ऊपर पे तो करो शिल्पा, हेलो बोल दे, देखिए कितनी शर्मा रही है। और हम दोनों बहने हो गई, यानी देवरानी जेठानी तो हो ही गए, लेकिन इनका इसका भी गोत ही वही है और हमारा भी गोत वही है, तो इसलिए हम सगी सगी बहने भी हो गए। देखिए हमने डेकोरेशन की थी फर्स्ट वाले दिन, हैप्पी मैरिड लाइफ शिल्पा और संदीप, हमने दिखाया है आपको, और यह है इनकी शेप यहाँ पर। और बाहर को भी चलते हैं, बाहर को दिखाते हैं हम कि घर का हर मेंबर क्या कर रहा है। और मैंने झाड़ू लगा दी है सभी जगह, और यहाँ पर लगाए थे इन्होंने गुस्से, और बुआ जी ने बोला यहाँ से गुस्से उठाओ मेहमान और यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, और यह बुआ जी की लड़की, और ये बुआ जी की लड़की है जो हमारी दीपा दीदी, और ये इनकी बुआ जी की लड़की है, इनका नाम है रितु दीदी। तो मिली ये है किचन, किचन में रखी हुई अभी मिठाई खटाई बोलते हैं जैसे देसी भाषा में, रसगुल्ले वगैरह, ये देखिए मट्ठी वगैरह रखी हुई है। और ये है बुआ जी का पोता, हम सबसे मिला देते हैं। और ये भी शर्माते हैं, पता ही आपको बच्चे कितने ज्यादा शर्माते हैं। और आगे भी चलते हैं, देखते हैं आगे हर मेंबर क्या काम कर रहा है। तो ये देखिए और अजीब नजारा दिखाते हैं आपको, यहाँ पर है हमारी बड़े वाली बुआ जी, सभी काम में लगी हुई है, और यहाँ पर लगी हुई है हमारी बीच वाली बुआ जी, तीनों बहनें इकट्ठी हो रही है और सभी काम में लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर गुस्से लगाए हुए हैं, जो वहां लगे थे कुछ पहले लगे थे, कुछ और लगा दिए यहाँ पर, और भूस भी पड़ा हुआ है। और जी बुआ बोल रही है, बोल दो कि जिन्ने के नीचे भर के रखे हुए थे गुस्से। तो ये देखिए ये भी टप में ले लेकर आ रही है, और जो जिसका काम था जिस उन्होंने कर लिया है वो बाहर से है। ये बुआ जी का ऐसे, ये देखिए ये बुआ जी का मेन गेट है यहाँ पर, और पास में ही है टंकी, वाटर टैंक लगा हुआ है, काफी अच्छा पानी है इसका यहाँ पर। और आपको दिखा देते हैं हम शकरकंदी की फसल कैसी होती है। तो शकरकंदी लगाई है, यानी कि सकरी लगाई हुई है, हम शकरकंदी बोलते हैं। तो ये है शकरकंदी की बेल यहाँ पर। तो देखिए हम आपको अंदर तो नहीं दिखा सकते कि इसमें अंदर आई है नहीं आई है शकरकंदी, तो ये इसकी बेल होती है इस तरह की, ये देखिए इस तरह के पत्ते, और इसका साग भी बन जाता है शकरकंदी के पत्तों का, और काफी दूर तक है, ये देखिए पीछे तक लगी हुई है इसकी, काफी बड़ा खेत है जो पीछे तक लगा हुआ है। और बारिश हुई थी आज रात को, बहुत ज्यादा बारिश हुई है यहाँ पर। आज है तारीख, और कल 11 थी और आज है 12 तारीख। तो हम जाएंगे बाद में, और पीछे भी दिखा देते हैं काफी, ये बुआ जी ने अपने खेत में मकान बनाए हुए हैं, और घर के सामने भी खेत ही है बुआ जी के। तो ये देखिए देखते हैं क्या क्या फसल हो रखी है यहाँ पर, सभी ने लगाई हुई है यह शकरकंदी, और शकरकंदी की फसल भी है ये। ये देखिए इस यह सूख चुकी है, इसमें से खोद ली गई है शकरकंदी जो होती है इस तरह की, और यहाँ पर लगाई है गाजर की हाँ जी। तो ये देखिए यहाँ पर है गाजर का खेत, और गाजर लगाई हुई है, और गाजर भी आ रही है इसमें। और फाड़ के तो नहीं दिखा सकते आपको, तो वैसे दिखाते हैं। और हमारे बाबा जी है जो, जिन्होंने गाजर लगाई हुई है, बोल रहे हैं कि बेटा इसमें दिखता भी है फोन में, तो मिलवाते हैं हम आपको, जिन्होंने गाजर मूली और शकरकंदी की फसल की हुई है। ये देखिए हमारे बाबा जी है, सामने ही रहते हैं, और मिलिए इनसे, थोड़ा इन्हें अजीब सा लग रहा है कि ये फोन में दिखता भी है क्या और गाजर, हम गाजर आपको एक उखाड़ के दिखा देते हैं। और बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं खुरपा लेकर आता हूँ, वैसे तो उखड़ेगी नहीं क्योंकि गहरी मिट्टी में जमी हुई है, और हम आपको दिखाएंगे गाजर की फसल। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और बाबा जी भी बहुत अच्छे हैं, वरना कोई कोई तो ऐसे बोलता है।
कि बेटा ऐसे मत दिखाओ, और ये बोल रहे हैं कि बेटा मैं खुरपा लेकर आता हूँ। तो ये देखिए बाबा जी खुरपा लेने गए हैं, और मैं दिखाएंगे आपको उखाड़ कर कि गाजर कैसी लगी हुई है। और बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेचारे खुरपा लेकर आए। ये भी देख लियो, अभी छोटी छोटी हुई है, ये देखिए। और बाबा जी बोल रहे हैं कि बड़ी भी है, बड़ी खोद के देख लो। तो बड़ी भी दिखा देते हैं हम आपको, देख लो इतनी मोटी भी दिखेगी, बड़ी भी दिखेगी। देखो कितनी मोटी मोटी का, नेचुरल प्रकृति, यानी कि इसमें कोई दवाई नहीं डलती, कुछ नहीं डलती, घर की फसल होती है। और जो घर की फसल होती है आपको पता है कितनी अच्छी होती है, इसमें दवाई की कोई मिलावट नहीं होती और कोई नुकसान भी नहीं देती, क्योंकि जो बाहर की सब्जी होती है उसमें दवाइयाँ वगैरह बहुत ज्यादा लगाई जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने दो गाजर उखाड़ी है, और बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दो गाजर उखाड़ने के लिए दी है कि और बहुत अच्छी लगी मुझे, सामने दिख गई। दो तीन दिन हो गए तो हम शादी में बिजी थे, तो चलिए ले बाबू गाजर पकड़ कर, और हम दिखाते हैं आपको, और मूली की फसल भी दिखाते हैं। तो चलिए मूली भी दिखा देते हैं आपको। और मूली भी काफी सारी लगी हुई है यहाँ पर, तो मूली तो हम वैसे ही उखाड़ के दिखा देते, बाहर ही निकल रही है आपको। ये देख कितनी बड़ी मूली है, और मैंने ऐसे ही उखाड़ दिया, तो बाहर लगी हुई थी गाजर, थोड़ी खुरपे से उखाड़नी पड़ी। तो दिखाओ, देखिए मूली गाजर मैंने दीपा दीदी को दे दी है, और बाबा जी बोल रहे थे कि बेटा एक दो और उखाड़ के देख लो। हम ऐसे ही वेस्ट नहीं करते किसी की सब्जियां, जब किसी ने इजाजत दे दी तो सामने ही है, इनके परिवार में से है। और कुनु के पीछे बोल रही है रितु, खुरपा भी लेके चलते हैं बाबा जी का। तो ये देखिए उधर से, तो ये देखिए, और फूल भी दिखाते हैं हम आपको, बहुत सारी फसलें की हुई है। तो चलिए जी आ जाओ आप भी, और रोज देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। ये देखो गुलाब का फूल, और हमने अपने हस्बैंड को देने के लिए तोड़ लिया है, और उन्होंने मुझे सूखा हुआ फूल दिया था जो वहां पर पड़ा हुआ था। तो देखिए कितने सारे लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे फुलवारी वगैरह लगाना। चलो कोई नहीं, हम इन्हें दे देते हैं, दीदी को दे देते हैं, लो दोनों के लिए रोज मेरे प्यार की तरफ से। देखिए ये पेड़ पता नहीं कैसा है, ऐसे लग रहा है जैसे अमरूद का पेड़ हो, पत्ते तो इसके अमरूद के जैसे लग रहे हैं, पर छोटा साइज है इसका। ये देखिए हमें भी नहीं पता कि किस चीज का पेड़ है, पर बाबा जी मुझे इतने अच्छे लगे बेचारे, बहुत ही ज्यादा। आगे भी देखते हैं क्या क्या फसल हो रखी है। मैंने कह रहे कि हम गोसे ढो रहे थे, वो भी छोड़ के आ गए, और गोभी भी लगी हुई है यहाँ पर, गोभी मिर्च और सेम पापड़े गज्जर सौंफ वगैरह भी लगी हुई है। हम आपको सभी चीजें दिखा देते हैं दूसरी जगह पर, हरी मिर्च बैंगन। तो ये देखिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये लगा हुआ है धनिया, छोटा छोटा धनिया है, और ये है सौंफ की फसल। ये देखिए सौंफ कैसी होती है, देखिए सौंफ की फसल है, और ये सीधी वहां तक लग रही है, वहां तक लगी हुई है जी, ये सौंफ की फसल है। और मूली भी लगी हुई है, डोल पे मूली लगाई हुई है। और आगे दिखा देते हैं हम आपको, यह है गोभी, ये देखिए गोभी, और छोटी छोटी गोभी आ रही है इस पे, ये बंद गोभी है शायद, ये बंद गोभी का है, यानी कि पत्ता गोभी, हम बंद गोभी बोलते हैं इनको। और ये है सेम पापड़े बोलते हैं, सेम चने, और इनपे कोई फसल नहीं आई हुई है, जो भी छोटे छोटे हैं, पहले फूल आएंगे और फिर इनपे पापड़े आएंगे जो खाने में बनते हैं। और क्या आगे चलिए, घर की सब्जी है, कहीं बाजार में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पालक, ये देखिए पालक लगा हुआ है यहाँ पर, मौके रखा हुआ है। और ये हरी मिर्च के पौधे, और लाल हो रखी है, लौंगा मिर्च बोलते हैं इन्हें हम। और ये है राई का पेड़, ये देखिए राई इस तरह की होती है, जो राई अचार वगैरह में डाली जाती है। और आगे है बैंगन की फसल भी है, और ये बैंगन के पेड़ है वहां पर, सामने दिख रहे हैं आपको, और आगे थोड़ा पानी भरा हुआ है, देखते हैं जाकर। तो ये देखिए यहाँ पर लगे हैं बैंगन, बैंगन, और दीदी बोल रही है कि बथुआ भी है यहाँ पर, बथुआ भी दिखाएंगे हम आपको। ये है बैंगन,
ये पपीता और वहाँ पर हरे बैंगन, ये पपीते का पेड़ और ये देखिए ये हरे बैंगन, ये गोल वाले थे वे लंबे। हाँ वे तो बैंगनी कलर के थे, ये हरे कलर के बैंगन देखिए। और जिन्होंने बो के रखी हुई है यानी कि उन्हें तो बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं, आलू वगैरह ले आते होंगे, वरना हरी सब्जी यहाँ पर बोई हुई है उन्होंने, चना चना वगैरह सब बो रखे काफी दूर तक है, वहाँ पर थोड़ा पानी भरा हुआ है। ये देखिए हम दिखा देते हैं आपको दूर से, वहाँ पर देखिए जो सबसे लास्ट में हल्दी के पौधे खड़े हुए हैं उसके पास में ही है, और मूली पर आए हुए हैं बीज, उन पे भी सेम पापड़े आते हैं। ये देखिए बैंगन के पेड़ वगैरह सभी, बथुआ भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए चलिए। तो ये देखिए यह बथुए का पौधा, और इसका साग बनता है, साग में मिलाकर बनाया जाता है, ये नेचुरल प्रकृति। और यह वाटर टैंक, हम वाटर टैंक के पास में ही आ गए, और दीदी यार बोल रही है चलो वाटर टैंक पे चढ़ के देखते हैं। तो हमने सभी चीजें आपको दिखा दी है, तो ये देखिए, तो चलिए चलते हैं, हमने आपको सभी चीजें दिखा दी है। और बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत ज्यादा वाला बड़े वाला। चलिए चलते हैं, हमने आपको सभी चीजें दिखा दी है, और थोड़ा फ्री टाइम था काम करने के बाद, तो सोचा थोड़ी घूमी घूमी की जाए। और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, काफी दूर तक घूम के आ चुके हैं, तो चलिए अब चलते हैं घर। ये देखिए इन्हें लग रही है ठंड, और ये देखिए मैं इनके लिए रोज लेकर आई। तो बहुत मौज मस्ती हो गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत जी के यहाँ पर बहुत ज्यादा मन लग रहा है। तो ये देखिए ये है भैया दूल्हे राजा, और अभी काम के लिए कई बार गए थे, हमने आपको नहीं मिलाया पहले इनसे, और हम मिला देते अपने जेठानी से आपको। हाँ तो जेठानी नहीं लगती दीदी मेरी। तो ये देखिए दीदी खाना बनाने की तैयारी कर रही है, हेलो बोलो दीदी। और बहुत ही बिजी है ये, और कल उस दिन से आ रही हूँ मैं, देख रही हूँ काम में बहुत ज्यादा लगी हुई है, और पता ही आपको गांव में कितने ज्यादा काम होते हैं। और बुआजी के यहाँ पर देख कितना बड़ा घेर है, काफी सारा सामान फैला हुआ है, शादी के घर में ऐसा ही होता है। और ये बैठी हुई है छोटी सी गुड़िया राधा, अरे देख हंस, और हंस रही है राधा, क्या बात होगी, अरे क्या कर रही पप्पू, क्या कर रही, अधिक शर्मा रही है, ये शर्मा रही है राधा, राधा रानी शर्मा गई, देखिए शर्मा गई, शर्मा पिनिया। और ये हमारी बुआ जी पशुओं को घास करने में लगी हुई है, अभी अट्टा लगाएगी उन्हें। और आपको पता ही है गांव में कितनी ज्यादा फसल होती है खाने की, और बुआ जी ने भी घर में ही लगा के रखी हुई है, अमरूद का पेड़, पालक, ये देखिए, और यह चना, यहाँ पर देखिए चना लगा हुआ है। और हम आपको बुआ जी का सारा घर दिखा देते हैं, ये देखिए कितना बड़ा घर है, इधर से ये थोड़े पहले मकान है, और नए मकान बुआ जी ने यहाँ पर बनाए है जिसमें दुल्हन का सामान पड़ा हुआ है। तो देखिए थोड़ी ऊंचाई पर है, जैसे मनसा देवी की ऊंचाई है, इस तरह की ऊंचाई पर है ये। तो ये देखिए सभी लेडीज आई हुई है बहू देखने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर रखा हुआ है दुल्हन का सामान, संदूक वगैरह टंकी वगैरह रखी हुई है, और सोफे भी दिखाते हैं हम आपको दुल्हन के। तो ये देखिए यह सोफे यहाँ पर पड़े हुए, एक कमरे में सोफे पड़े हुए हैं, अभी तो पता ही है शादी के घर में काम फैला हुआ है, सोफे और मेज और रूम हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। ये चलते हैं छत पे ऊपर, और ऊपर से दिखाते हैं आपको नीचे का नजारा। तो ये देखिए कितना बड़ा घर है हमारी बुआ जी का, काफी बड़ा घेर है यानी कि। तो हम आ चुके हैं छत पे, तो ये देखिए ये बुआ जी के पहले घर है, थोड़े नीचाई में आ गए, और ये नए बनाए हो यहाँ पर रखे करेट जिसमें आम वगैरह रखे जाते हैं, क्योंकि बुआ जी के बाग भी है, आम की फसल आती है यानी कि उसमें बेच रखे जाते हैं, और कहीं कहीं पे सप्लाई किए जाते हैं। तो इधर से नजारा दिखा देते हैं हम आपको, ये देखिए बुआ जी घर के पीछे खेत है चारों ओर को, और दीदी का भी मन लग रहा है, बोल रही थी दीदी कि भाभी अभी मत जाओ बाद में जाना, दीदी की ख्वाहिश है कि वाटर टैंक पे चढ़ के देखते हैं। तो ये देखिए जाना है आपको, हाँ जी। और हमें डर लगता है ज्यादा ऊंचाई से, अभी लॉक भी लगा हुआ है जीने का वहाँ पर, कोई नहीं दीवार पे भी चढ़ जाए।
ये बोल रहे हैं कि दीवार टाप के चढ़ जाएंगे ऊपर। चलिए वहाँ पर रहते हैं बाबा जी में सामने ही करके। और यहाँ पर पल्ला करने वाला कोई नहीं है, कभी आप बोलो कि आप बिना पल्ला किए हुए ऐसे फिर रहे हो। यहाँ से जो भाई साहब है उनसे मैं पल्ला नहीं करती, और जो फूफा जी हैं वे नहीं है हमारे। तो ये देखिए, कभी आप बोलो कि पासे फिर रही हो ससुराल है आपका, पल्ला नहीं करते ऐसे, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। तो चलिए और आगे भी दिखाएंगे हम आपको, कहीं नहीं रोज रोज आना होता बुआ जी के यहाँ पर। शादी में आ गए, फिर दीपा दीदी की शादी में ही आना होगा। के टाइम बारिश हुई थी बहुत ही ज्यादा, तो हल्का हल्का ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, और बारिश होने के बाद पता ही आपको कितना सुहाना मौसम हो जाता है।